शायर आता है महल में। अब अच्छा ये शायर मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, आप शायर से अंदाजा लगा लो वो स्ट्रीम करने वाले, आपको पहले जहन में ना विजुलाइज करना है, मैं उनके नाम भी नहीं लेना चाहता, और समझ जाए शायर वो जो स्ट्रीम कर रहा है 10 घंटे की, 8 घंटे की, 6 घंटे की, ठीक है। शायर आता है महल में और उसको सजा दी जाती है फांसी की, तो बादशाह कहता है इस शायर को फांसी दे दो, तो वजीर कहता है नहीं, फांसी इसके लिए छोटी सजा है, ये शायर है, यानी इसने दुनिया को इतना दिमाग का खून किया इसने कि फांसी तो उसके लिए छोटी सजा होगी। तो बादशाह बड़ा हैरान हो जाता है, वो पूछता है हमीद भाई कि शायर को फांसी नहीं दे तो उससे बड़ी सजा क्या हो सकती है। वजीर बोलता है इसको दूसरा शायर बुलाओ, पूरी रात शायरी सुनवाओ। यानी कि ये जो स्ट्रीम, उसको हाँ ये जो स्ट्रीम्स हो रही है ना, जितनी 3-4 चैनल्स के अलावा, उनमें यार सिर्फ आठ आठ नौ कचरा। नौ घंटे की स्ट्रीम वाकई में कर रहे मैं हैं। बताऊं, मैं आ रहा हूं, मैं मुझे मैं 5 मिनट बताऊं चाहिए वो किस विशाल, पे। टेम्पो टूट जाएगा मेरा विशाल, टेम्पो टूट ओके जाएगा। ओके ओके अच्छा लेट करने दो। वो फिर ये होता है ना, कॉमेडी चल रही होती है तो फिर वो उसमें वो मजा नहीं आएगा। अच्छा ये तो हो गया, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी कि इतनी सारी, इनमें कोई किताब की बात नहीं होती, कोई दलील की बात नहीं होती, कोई इंसानियत की बात नहीं होती। आप अगर हारिस पे इल्जाम लगाते हैं, इनके आप चैनल पे जाओ 100-200 वीडियो आपको मिलेंगे हिंदू के हकूक पर। ये हिंदुओं को तो खुश होना चाहिए कि जो पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी पे जुल्म होता है, हारिस ने सबसे ज्यादा उस पर वीडियोस बनाए। ये इतने बेशरम, इतने बगैरत हैं कि इसका कभी अपनी स्ट्रीम में जिक्र नहीं किया। यानी ये जब किसी से नफरत करते हैं ना, तो कंप्लीटली उसको शैतान बना देते हैं। ओ भाई ये इंडियन फिल्म नहीं है कि अमरीश पूरी पूरा शैतान है, कि पूरा साड़ी उतारेगा औरत की। ये ये लोग इंसानी नाम देखकर नफरत करते हैं, नाम देखकर। इंसानी जिंदगी में हर इंसान में अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां होती हैं। सलीम भाई में कुछ अच्छाई होंगी, बुराई होंगी, लाबेल में अच्छाई होंगी, बुराई होंगी। ये इतने बेशरम वर्ड यूज कर रहा हूं कि ये गालिब कमाल ने 10% एथियज्म की शायद बात की होगी, बाकी ह्यूमन राइट्स की बात होती है। कहां कोई औरत का रेप हुआ, ये लोग मालिज ने आवाज उठाई। लेकिन ये इतने डॉगमेटिक हैं अपने सनातनी मजहब में, या फिर इस्लाम वाले जो हैं, मोमिन मोमिन भी कम नहीं है। अब मैं एक और पॉइंट रखता हूँ। अभी हारिस सुल्तान को रिचर्ड डॉकिन ने रिकग्नाइज किया, ठीक है, कुछ 2 मिलियन उसके फॉलोवर्स हैं, इज अ बिग, इज ना, इज कंसिडर्ड नंबर वन एथियस्ट दुनिया का, आप सबको पता होगा। एथियज्म पे भाई मुझे बड़ा प्राउड है, ठीक है, क्यों? एथियज्म का मतलब है जहालत का इंकार कर देना। इसको ये बैड वर्ड की कोशिश करते हैं, जो सनाटूनी है ना, मजाक उड़ाते हैं एथियज्म का, जो रैशनल थिंकिंग है कि अगर मुझे सलीम भाई बोले मैं मार्स से होके आया हूं, मैं एथियस्ट हूं, मैं बोलूंगा सबूत दो। इनको हनुमान का सबूत नहीं मांगना। अच्छा मैंने एक वीडियो कल चढ़ाया कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए, ठीक है, हारिस सुल्तान का, उसमें मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैंने वो ऑडियो डिलीट करके दोबारा डाल दिया। तो नीचे एक सनाटूनी बोल रहा है कि देखा तुमसे खराब कमेंट्स बर्दाश्त नहीं हुए, बगैर यानी कंफर्मेशन के, बगैर किसी रीजन के लोग इल्जाम लगाते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे दी, आगे चलते हैं। ये देखें जो स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं ना दोस्तों, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ना कॉमन सेंस बड़ी जबरदस्त चीज है, जो है नहीं कभी काफी मजहबी लोगों के। अमित ने सही बात की, मोमिनों में भी कॉमन सेंस नहीं होता, मैं इसकी मिसाल देता हूँ भाई। स्क्रिप्चर्स पुराने जमाने में लिखे गए होंगे, है ना भाई, सारे कुरान भी पुराना जमाना, वेद भी पुराना जमाने में लिखा गया है, भगवद गीता बाइबल, जो भी स्क्रिप्चर्स को डिफेंड करता है ना, वो कॉमन सेंस को मिस करता है। क्यों? क्योंकि आज की 200 साल में जो दुनिया की तरक्की हुई है ना, उन किताबों को तो तुमने पढ़ा ही नहीं। गाली मेरे मुंह से निकलने वाली है, मैं जो गुस्सा आता है, साफ बात, मालिक के शो में खैर गाली अलाउड होती है, कि एक बात बताओ, तुमने इन 200 साल में सबसे ज्यादा तरक्की हुई है दुनिया की। सलीम भाई मुस्कुरा के देख रहे हैं, सोशल मीडिया की शक्ल में मैं इनको जानता भी नहीं था, ना लाबेल को जानता हूं, ना मालिश को जानता हूं, इतनी एडवांस। साले जब तुम बीमार होते हो तुम साइंस के पास जाते हो, और साइंस की ही तुम मार रहे होते हो हर वक्त, क्यों? अपने भगवत गीता का जिक्र करके। आगे सुने, जो भी पुराने स्क्रिप्चर को डिफेंड करता है ना, और कहता है कि तुम पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास और अच्छी किताबें पढ़ने को टाइम है, जो आपके लोगों ने लिखी हुई है, ठीक है। तो कॉमन सेंस क्या होता है, 400 साल पहले जो लोगों ने किताबें लिखी होंगी, क्या उनको यूज करना होता होगा टीवी? उनको पता होगा जहाज कैसे उड़ता है, उनको साफ भी नहीं करता आता होगा अपना कैसे टट्टी साफ करते हैं, ठीक है। उनको आप कहते हो वो बड़े इंटेलिजेंट होंगे, तो इसका मतलब तुम अपने दिमाग का ना अच्छी तरह इलाज कराओ। लास्ट पॉइंट, मैं एक और दो पॉइंट बोल देता हूं, अब आ जाते हैं
ये जो कुछ चैनल चल रहे हैं ना, ओ भाई तुम खौफ करो, खौफ इंसानियत से, नाम मत लीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, मैं मेरा टेम्पो नहीं तोड़े, इंसानियत का जरा खौफ करो। कैसे? आपने 5 घंटे की स्ट्रीम की, 6 घंटे की स्ट्रीम की, उसमें आपने बुला लिए सारे भक्त और मुसलमानों की वो बुराइयां कर रहे हो कि मुसलमान को खुद भी नहीं पता होती। मिसाल दे देता हूँ, मेरी उम्र 40 साल है, मुझे सिर्फ 2 साल में हारिस और गालिब को सुन सुन के पता चला है कि मोहम्मद लौंडियों को अलाउ करता था। यानी मैं 39 साल में मुझे एज ए मुस्लिम पता ही नहीं था। सोचो सोचो सोचो, दोबारा सोचो कि मैं यूएसए में 10 साल से। मैं आपको बताता हूँ, अब मैं लास्ट 2 पॉइंट और ले लें, 2 मिनट और ले लें, मैं बताता हूँ, मैं लॉजिक से बात कर रहा हूँ, प्रूव मी रॉन्ग। अच्छा, मुझे 2 साल पहले पता चला कि कुरान में गर्दन पे वार का बोला है, कुरान में लौडियों का बोला है। इसका मतलब ये जो चैनल चला रहे हैं ना हेट प्रीचर, ये हेट प्रीचर्स हैं, ये शो ऐसा करते हैं कि हर मुसलमान को पता गर्दन पे वार का, हर मुसलमान को पता है लौंडी का। इससे क्या होगा, आपके मोहल्ले में आप हर मुस्लिम को बैड नजरों से देखने लग जाओगे। जो चाहते हैं ये आरएसएस चाहता है, वो ये समझेगा कि हर मुसलमान लाबेल, हर दुनिया के हर लड़की को पता है कि लौंडियां हजरत मोहम्मद रखते थे। इससे मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी शदीद, और इससे आप इंसानियत को फायदा नहीं दे रहे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुसलमानों को अपने स्क्रिप्चर्स का नहीं पता, मुसलमान ज्यादातर वॉयलेंट नहीं होते, उनमें एक आग पागल निकल आता है, चूतिया निकल आता है, उसकी वजह से आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते। सारे सनातनी बुरे नहीं होते, ये बात समझो। लेकिन इन स्ट्रीम्स में ना सलीम भाई, इन स्ट्रीम्स में यही बेचा जा रहा है कि हर मुसलमान ऐसा है। एक और बात, हाँ एक बात मैं कह सकता हूँ, सारे मुसलमान डॉगमेटिक होते हैं, सारे मुसलमान समझते हैं कुरान अल्लाह ने लिखा, इस पे बजाओ, दलील से बात करो, सुन आयतें दिखाओ। मुझे पता है 100% मुसलमान समझते हैं कि कुरान अल्लाह ने लिखी है, इस पे बात करो ना, रेशनैलिटी पे बात करो, दलील से बात करो, हर वक्त तुम सरतन से जुदा की बात मत क्या करो। लास्ट पॉइंट, सिर्फ लास्ट पॉइंट, ये जो बोलता है ना कि तुम हिंदू हेटर हो, वो बेसिकली मुस्लिम हेटर है, क्योंकि हम कभी नहीं बोलते कि हिंदू मुस्लिम हेटर होगा। आम क्या मीत हिंदू मुसलमान हेटर है? नहीं। बाकी विशाल मुसलमान हेटर है? नहीं, क्योंकि लोग, इनके पास ना थोड़ा दिमाग है, सिंपल, इनके पास ना थोड़ा दिमाग है, दिमाग इस्तेमाल करो। अब आप, अच्छा अब आ जाएं ये कालीदासी पर, कालीदासी का ट्वीट चेक करें, उन्होंने मुझे शायद ब्लॉक किया, नाम अलग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं, सो के, नहीं, नाम मत लिया करो इन लोगों का, डोंट टेक देयर नेम, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट गिव देम दैट इंपॉर्टेंस, प्लीज ऑन माय चैनल। इनके ट्वीट में लिखा हुआ है, इनके ट्वीट में लिखा हुआ है, जो इनका इंट्रोडक्शन है ना, कि हम कभी भी हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं भूलेंगे, इट इज बेस्ड ऑन हेट। क्यों? ओ भाई, पास में आप पैदा नहीं हुए हो, ठीक है, आज की बात करो कि आज की दुनिया को आपने मोहब्बत वाला कैसे बनाना है। जेनोसाइड तो यहूदियों का भी हुआ होगा, जेनोसाइड तो मुसलमानों का भी हुआ होगा, आप आखिर हिंदू जेनोसाइड पे इतने अपसेस क्यों? इसका मतलब आप अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हो कि आपको अपने हिंदू देश बनाना होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंसान मरता है, मुस्लिम नहीं मरता, हिंदू नहीं मरता, सिखों का भी हुआ है सर, सिख, अबे भाई सबका हुआ होगा ना जेनोसाइड, लेकिन आपके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, सुने, आपके इंट्रोडक्शन पेज पे मैं हैरान हो गया कि आप इतनी अमन की बात करती हो, गाली गलोच का बता दिया महालीज ने, आपने लिखा हुआ है हिंदू जेनोसाइड। यार आप उस वक्त पहली बात थी नहीं, नंबर वन, नंबर टू, जेनोसाइड तो और भी इंसानों का हुआ होगा, वाई ओनली हिंदू मुस्लिम यहूदी? और आखिरी बात, के मैं आखिरी बात कह के कोई 20 बातें कर गया हूं, लेकिन एक और बात, इंडिया और पाकिस्तान, पांच सेकंड और लूंगा। और ये जो इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करके देख रहे होते हैं ना भक्त या मोमिन, इंडिया पाकिस्तान इज वन रीजन। आप भी चावल दाल खाते हो, हम भी चावल दाल खाते हैं, आप भी अमिताभ बच्चन को देखते हो, हम भी देखते हैं, तो वी शुड लव बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया।